बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सवाल पूछा गया है कि क्या नवाफिल और सुन्नत नमाज को छोड़कर सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ना काफ़ी है, जायज़ है? जी बिल्कुल, सुन्नत और नवाफिल दोनों को छोड़ा जा सकता है, कोई इसमें गुनाह का काम नहीं है। ये आपको जवाब मिल जाएगा सही बुखारी की हदीस नंबर 2678 में। उसमें ये हदीस आपको तफसीलन मिल जाएगी, जिसमें एक सहाबी ने ये सवाल पूछा था तो उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दिन और रात में 5 नमाजें अदा करना। और उसने पूछा था कि इसके अलावा भी मुझ पर कोई नमाज ज़रूरी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, नहीं, ये दूसरी बात है कि तुम नफल पढ़ो। तो ये हदीस का जवाब है कि सिर्फ फ़र्ज़ नमाज पढ़ना हमारे लिए काफ़ी है, अगर हम सुन्नत और नवाफिल ना भी पढ़ें तो कोई गुनाह नहीं है। और इसी हदीस के आखिर में जब वो सहाबी ने यह कहा कि अल्लाह गवाह है कि ना मैं इनमें कोई ज्यादती करूंगा ना कोई कमी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर उसने सच कहा तो कामयाब हुआ। तो आप सुन्नत और नवाफिल बेशक छोड़ सकते हैं, कोई इसमें गुनाह नहीं है। और वैसे भी सुन्नत नमाज जो है वो घर की नमाज है, मस्जिद में लोगों को पढ़ने की आदत है, लेकिन बेहतर ये है कि वो अपना नमाज घर में पढ़ें। मस्जिद में सिर्फ नवाफिल पढ़ना चाहे तो पढ़ लें, और फ़र्ज़ नमाज पढ़े, और हर फ़र्ज़ नमाज से पहले 2 रकात नमाज बंदा पढ़े, वो सुन्नत है, जिसको तहियतुल मस्जिद या तहियतुल वुज़ू कहते हैं। कोई और सवाल हो तो आप इस नंबर पर हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। माशाल्लाह।